दुनिया के 10 सबसे अमीर क्रिकेटर। T20 क्रिकेट के आने के बाद से क्रिकेट में विस्तृत रूप से परिवर्तन देखने को मिला है। इन परिवर्तनों में से एक है क्रिकेट की पिछले कुछ सालों में कमाई बढ़ना। वे जमाने गुजर गए जब क्रिकेटर लाखों में कमाते थे, अब क्रिकेटर करोड़ों में कमाते हैं। पिछले सालों में विश्व भर में कई क्रिकेट लीग BBL, IPL, CPL और BPL शुरू हुई है, जिसने क्रिकेटरों को जमकर पैसा कमाने का मौका दिया है। ऐसे में सवाल उठता है कि विश्व के सबसे अमीर क्रिकेटर कौन होंगे। आज हम आपको 10 सबसे अमीर क्रिकेटरों के बारे में बताने जा रहे हैं। ये आंकड़े फोर्ब्स पत्रिका से लिए गए हैं। फोर्ब्स ने साल 2015 में ये आंकड़े प्रस्तुत किए थे। नंबर 10, राहुल द्रविड़। भारतीय क्रिकेट टीम के मिस्टर भरोसेमंद राहुल द्रविड़ दुनिया के सबसे अमीर क्रिकेटरों की लिस्ट में 10वें नंबर पर हैं। उनका नेटवर्थ US $22.6 मिलियन है। द्रविड़ के टेस्ट व वनडे में 10,000 से ज्यादा रन हैं। IPL में द्रविड़ शुरुआती 3 सीजनों तक रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की ओर से खेले। साल 2011 में वह राजस्थान रॉयल्स से जुड़ गए। चैंपियंस लीग 2013 के बाद द्रविड़ RR के मेंटर बन गए। वर्तमान में वह दिल्ली डेयर डेविल्स के मेंटर हैं। रिटायरमेंट के बाद से द्रविड़ नए क्रिकेटरों को मांझने में लगे हुए हैं। उनके कोच रहते हुए भारत अंडर 19 टीम ICC अंडर 19 टीम विश्व कप के फाइनल में पहुंची। द्रविड़ गुडविल फाउंडेशन के ब्रांड एम्बेसडर हैं। नंबर 9, युवराज सिंह। युवराज सिंह दुनिया के 9वें सबसे अमीर क्रिकेटर हैं। उनका नेटवर्थ US$35.5 मिलियन है। साल 2011 विश्व कप में मैन ऑफ द टूर्नामेंट रहे युवराज सिंह। साल 2007 में 6 गेंदों में 6 छक्के जड़ने के बाद क्रिकेट टर्फ पर छा गए थे। साल 2014 और 2015 IPL में युवराज सबसे महंगे खिलाड़ी रहे थे। इस दौरान युवराज क्रमशः 14 और 16 करोड़ रुपए में बिके थे। युवराज ने अपना सबसे पहला विज्ञापन साल 2006 में किया था, जब उन्हें माइक्रोसॉफ्ट एक्सबॉक्स 360 वीडियो गेम कंसोल का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था। उन्होंने एनिमेटेड फिल्म जंबो के लिए भी अपनी आवाज दी थी और वह कई ब्रांडों जैसे पुमा, Sport365.in, उल्सी नारदीन आदि के ब्रांड एम्बेसडर भी रहे। युवराज ने एक चैरिटी जिसका नाम यूवीकैन है शुरू की थी। इस चैरिटी का उद्देश्य कैंसर रोग से ग्रस्त लोगों का इलाज कराना है, जिसके लिए उन्होंने 40 से 50 करोड़ खर्च करने का भी निश्चय किया है। नंबर 8, वीरेंद्र सहवाग। भारतीय टीम के विस्फोटक बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग अमीर खिलाड़ियों की सूची में दुनिया में 8वें नंबर पर हैं। उनकी कुल कमाई $40 मिलियन है। सहवाग के नाम T20 वनडे और टेस्ट में क्रमशः 119, 219 और 319 रन बनाने का रिकॉर्ड है। सहवाग के नाम सबसे तेज 300 रन बनाने का रिकॉर्ड भी है। IPL में सहवाग ने दिल्ली डेयर डेविल्स के कप्तान के रूप में 2008 और 2009 सीजन खेला। IPL के सीजन 4, 5 और 6 में वह दिल्ली डेयर डेविल की ओर से बतौर खिलाड़ी के रूप में टीम में जुड़े रहे। साल 2015 में क्रिकेट से संन्यास लेने के बाद से सहवाग ट्विटर पर खासे एक्टिव रहते हैं और मजेदार ट्वीट करते हैं। साथ ही वह चैरिटी से भी जुड़े हुए हैं। सहवाग का एक सहवाग इंटरनेशनल स्कूल है। साथ ही वह क्रिकेट साइट क्रिकबज से भी जुड़े हुए हैं। नंबर 7, शेन वाटसन। वर्तमान में क्रिकेट के बेहतरीन ऑलराउंडरों में से एक ऑस्ट्रेलिया के शेन वाटसन का सबसे ज्यादा अमीर खिलाड़ियों के बीच 7वां नंबर लगता है। उनका नेटवर्थ कुल $40 मिलियन है। घरेलू क्रिकेट में जबरदस्त प्रदर्शन के बाद वाटसन ने साल 2002 में ऑस्ट्रेलिया टीम की ओर से पदार्पण किया था। साल 2016 में उन्हें अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट को अलविदा कह दिया। साल 2008 में वाटसन IPL की राजस्थान रॉयल्स टीम की ओर से जुड़े थे। राजस्थान रॉयल्स के साथ 8 साल तक खेलने के बाद साल 2016 में वाटसन को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने 9.5 करोड़ रुपए में खरीद लिया और वह 2016 के सीजन में सबसे महंगे खिलाड़ी के रूप में बिके। साल 2016 में उन्होंने सेंट लूसिया की ओर से CPL में पदार्पण किया। नंबर 6, शाहिद अफरीदी। बूम बूम नाम से प्रसिद्ध पाकिस्तान के शाहिद अफरीदी वर्तमान में अमीर क्रिकेट खिलाड़ियों के मामले में 6वें नंबर पर हैं। अफरीदी का कुल नेटवर्थ $41 मिलियन है। साल 2008 में अफरीदी को IPL की टीम डेक्कन चार्जर्स ने साइन किया था। उसके बाद से उन्होंने कई लीगों में भाग लिया। साल 2010 में उन्होंने BBL के साथ साउथ ऑस्ट्रेलिया की रेडबैक्स के साथ करार किया और अगले साल वह मेलबर्न रेंडेक्स से जुड़ गए। अफरीदी सामाजिक कार्य में भी शामिल रहते हैं। वह पाकिस्तान में यूनिसेफ के एंटी पोलियो अभियान के अंग हैं। साल 2014 में शाहिद अफरीदी फाउंडेशन की स्थापना की गई। नंबर 5, शेन वॉन। दुनिया के बेहतरीन स्पिनर शेन वॉन के नाम बॉल ऑफ द सेंचुरी है।
जब तक वॉन क्रिकेट खेले वह बल्लेबाजों को हमेशा परेशान करते रहे। उन्होंने ताउम्र अपनी गेंद में विविधता और टर्न से बड़े बल्लेबाजों को डराया। वॉन के नाम अंतर्राष्ट्रीय करियर में 1000 से ज़्यादा विकेट हैं। वॉन अमीर क्रिकेटरों के मामले में दुनिया में 5वें नंबर पर आते हैं। उनका नेटवर्थ $50 मिलियन है। टेस्ट में 3000 रन बनाने वाले वॉन ने 2008 में IPL की राजस्थान रॉयल्स टीम को आइकन खिलाड़ी के रूप में ज्वाइन किया, जिसके लिए उन्हें $45 लाख मिले। साथ ही वॉर्न दुनिया के सबसे ज़्यादा विवादास्पद खिलाड़ी भी हैं। वह अपने पूरे क्रिकेट करियर में कई विवादों में फंसे रहे। वर्तमान में वह क्रिकेट कमेंट्री करते हैं और ऑस्ट्रेलिया के प्रोफेशनल पोकर खिलाड़ी हैं। नंबर 4, विराट कोहली। भारतीय क्रिकेट फैंस का सबसे चहेता सितारा और भारतीय टेस्ट टीम के कप्तान विराट कोहली इस लिस्ट में 4थे नंबर पर हैं। वर्तमान में कोहली का नेटवर्थ $53 मिलियन है। कोहली सबसे पहले लाइमलाइट में साल 2008 में अंडर 19 विश्व कप के दौरान आए। इसके बाद ही उन्हें उसी साल रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने $30,000 के साथ साइन कर लिया था। अपने बेहतरीन स्ट्रोक प्ले और गेंदबाजों को परेशान करने वाले कोहली आजकल वनडे टेस्ट और T20 में छाए हुए हैं। IPL 2016 में कोहली ने अपनी टीम की ओर से कुल 4 शतक जड़े और 16 मैचों में 973 रन बनाए। इस दौरान उनका औसत 80 का था, जो आमतौर पर T20 में बल्लेबाजों को कतई देखने को नहीं मिलता। विराट वर्तमान में सबसे ज्यादा लोकप्रिय क्रिकेटर हैं। कोहली अक्सर TV विज्ञापनों में नजर आते रहते हैं। साल 2014 में विराट कोहली 100 करोड़ इंडोर्समेंट क्लब में शामिल हो गए थे, जिसमें MRF बैट के साथ की गई उनकी डील क्रिकेट इतिहास की सबसे महंगी डील थी। नंबर 3, रिकी पोंटिंग। ऑस्ट्रेलिया के बेहतरीन कप्तानों में से एक रिकी पोंटिंग ने ऑस्ट्रेलिया को अपनी कप्तानी में 2 विश्व कप 2003 और 2007 दिलवाए। रिकी पोंटिंग विश्व के सबसे ज्यादा अमीर क्रिकेटरों की लिस्ट में 3रे नंबर पर हैं। पोंटिंग का कुल नेटवर्थ $45 मिलियन है। बतौर कप्तान तीनों फॉर्मेट में सबसे ज्यादा मैच जीतने वाले पोंटिंग चैरिटी कार्य भी खूब करते हैं। पोंटिंग ने साल 2008 में पोंटिंग फाउंडेशन शुरू की थी। इसके अंतर्गत वह उन बच्चों के लिए फंड इकट्ठा करते हैं जो कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी से जूझ रहे हैं। सचिन तेंदुलकर के बाद रिकी पोंटिंग के ही नाम सबसे ज्यादा 30 शतक हैं। IPL में उन्होंने शुरुआत कोलकाता नाइट राइडर्स की ओर से की थी, लेकिन साल 2013 में वह मुंबई इंडियंस से जुड़ गए। आजकल वह मुंबई इंडियंस की ओर से बतौर मेंटर जुड़े हुए हैं। नंबर 2, महेंद्र सिंह धोनी। MS धोनी दुनिया के सबसे ज्यादा कमाई करने वाले खिलाड़ियों के बीच नंबर 2 पर हैं। साथ ही वह दुनिया के सबसे अमीर क्रिकेटर हैं। धोनी के पास कुल नेटवर्थ $103 मिलियन है। पिछले साल फोर्ब्स मैगजीन में छपी खबर के मुताबिक धोनी सालाना $26.5 मिलियन की कमाई करते हैं, जिसमें $3.5 मिलियन की कमाई वह क्रिकेट के माध्यम से करते हैं, बाकी वह स्पॉन्सरशिप और एड के माध्यम से करते हैं। स्पॉन्सरशिप और एड की कमाई को अगर आंके तो धोनी रोनाल्डो और मेसी से भी आगे हैं। धोनी टीम इंडिया के सबसे सफल कप्तानों में से एक हैं। वह एकमात्र भारतीय कप्तान है जिसने भारत को 100 वनडे मैचों में जीत दिलवाई है। IPL में धोनी चेन्नई सुपर किंग्स के साल 2015 तक कप्तान रहे और वर्तमान में वह नई IPL टीम राइजिंग पुणे सुपर जायंट्स के कप्तान हैं। इसके अलावा उनकी एक सुपर स्पोर्ट्स वर्ल्ड चैंपियनशिप टीम भी है, जिसका नाम अब माही रेसिंग टीम इंडिया पड़ गया है। इतनी सारी जिम्मेदारियों के साथ इसमें कोई दो राय नहीं है कि धोनी दुनिया के दूसरे सबसे अमीर क्रिकेटर हैं। नंबर 1, सचिन तेंदुलकर। दुनिया के महानतम बल्लेबाजों में से एक सचिन तेंदुलकर के नाम कई रिकॉर्ड दर्ज हैं। साल 2013 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट को अलविदा कहने वाले सचिन तेंदुलकर ने भले ही अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलना बंद कर दिया हो, लेकिन नेटवर्थ के मामले में वह अब भी दुनिया के सबसे अमीर क्रिकेटर हैं। सचिन तेंदुलकर का वर्तमान में नेटवर्थ $118 मिलियन है। भारत रत्न सचिन तेंदुलकर राज्यसभा सदस्य भी हैं। वर्तमान में वह मुंबई इंडियंस टीम के साथ बतौर आइकन खिलाड़ी और मेंटर जुड़े हुए हैं। तेंदुलकर एक मुंबई के NGO अपनालिया के साथ जुड़े हुए हैं, जिसके अंतर्गत वह हर साल 200 बच्चों को स्पॉन्सर करते हैं। सचिन ने अपना पहला बिजनेस वेंचर साल 1995 में वर्ल्ड टेल के साथ शुरू किया था। इसके बाद से सचिन ने कई इंडोर्समेंट डील साइन की हैं, जिसमें केरला ब्लास्टर्स, जो एक ISL टीम है, की को ऑनरशिप है। इससे उन्होंने सालाना $18 मिलियन की कमाई की है। इसके अलावा उनके 2 रेस्टोरेंट्स तेंदुलकर्स और सचिन्स हैं। ये दोनों रेस्टोरेंट्स मुंबई में हैं। उनकी ऑटोबायोग्राफी प्लेइंग इट माई वे ने भारत में पब्लिश होने वाले सभी किताबों में
प्री ऑर्डर कॉपी का रिकॉर्ड तोड़ दिया था। आशा करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। देश और दुनिया की अन्य खबरों के